नमस्कार दोस्तों, आर एस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह देखिए, हमने कट किया है, लंबाई इसकी 7 इंच ली है। अब लेंगे 3 इंच, 3 इंच पर आर्म होल का निशान करेंगे। तो इस तरह हमें कर लेना है, उसके बाद इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से कट कर लिया। अब डिजाइन के लिए कट करना है, 2 इंच लेंगे। अब यहाँ से 2 इंच पर मार्क किया। अब देखिए, नीचे की तरफ हल्की सी गोलाई देते हुए इस तरह से करना है। उसके बाद इसे फैलाना है। तो ये हमने फैला लिया। फैलाने के बाद देखिए, इसकी सेंटर लाइनिंग करनी है। अब ये सीधा इसे यहाँ से कर देंगे। करने के बाद इस वाली साइड से लेंगे 2.5 इंच। अब 2.5 इंच पर देखिए, ये हल्की सी गोलाई देते हुए इसको मिला लेना है। और फिर 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा बढ़ा कर बाहर से कट करना है, लाइनिंग करनी है। उसके बाद कपड़े पर रखते हुए इसे कट करेंगे। तो इस तरह से कपड़े पर रखते हुए इसे कट कर लेना है। अब इसको फैलाएंगे और देखिए, इस तरह से रखना है कपड़े की सीधी वाली तरह। और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब देखिए, जो लाइनिंग हमने की है, यहाँ से इस तरह सिलाई लगानी है। यहाँ पर जब 1/2 इंच आएगा तो इधर से इस साइड मोड़ लेना है। तो ये इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इस तरह इसको कट करना है। ये कट हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर 2 कट लगेंगे। तो अब इस तरह 2 कट लगाएंगे और इस साइड इसको फिर इस तरह से पलटना है। अब इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, पूरे पर सिलाई लगा लेना है। पहले इस साइड से लगाना है, उसके बाद साइड से अस्तर और कपड़े को पकड़ाते हुए लगा लेना है। तो ये सिलाई हमने लगा ली। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से कट कर लेना है। अब हमें डिजाइंस के लिए सबसे पहले पट्टी तैयार करनी है। ये सीधा कपड़ा लिया है, अब इस पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इसको पलट लेना है। अब इस तरह से पलट कर सीधा करेंगे और उसके बाद कट करना है 2-2 इंच की। 2-2 इंच की अब कट कर लेंगे। अब देखिए, इसको इस तरह लगाना है। यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। जितना सिलाई में हमारा जाएगा उतना हमने छोड़ दिया है। अब जितनी चौड़ी ये पट्टी है उतना ही गैप देते हुए इस तरह यहाँ तक लगाना है। यहाँ तक देखिए, हमने इस तरह से लगा लिया। उसके बाद अब हमें ये लेस लेना है और यहाँ से लगाना है। अब यहाँ से वापस ले लेंगे। 1/2 इंच की दूरी रखते हुए दोबारा से लगा देना है। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ही दूरी रखेंगे और इस तरह दोबारा से लगा देंगे। उसके बाद देखिए, इस तरह से सीधा कपड़ा लेना है। यहाँ पर कपड़े की चौड़ाई 2 इंच से कम रखनी है और इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। लंबाई इसकी लगभग 8 इंच। अब इस तरह से देखिए, डिजाइन इससे बनानी है। धागा लेना है, धागे को पर गांठ लगा लेनी है। उसके बाद इस तरह डालना है, छोटी छोटी से चुन्नटें इस तरह करते हुए इसी धागे में। ये इस तरह से डाल लिया हमने। और फिर धागे को टाइट से खींचना है। उसके बाद ये दोनों तरफ पकड़ कर कपड़े पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को पक्का करेंगे लास्ट में, उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। अब फैलाएंगे तो इस तरह डिजाइनें बनकर आएंगी। इसी तरह से हमें डिजाइनें बना लेनी है। इस पर जितनी लगेंगी, 4 या 5 लगेगी। अब इसको देखिए इस तरह से, अब यहाँ से पहले इसको बना लेंगे, ये वाली डिजाइन पूरी कर लेंगे, उसके बाद उसे लगाएंगे जो डिजाइन हमने बनाई है। अब यहाँ पर ये डिजाइन कपड़े के ऊपर करेंगे। और देखिए, फर्स्ट वाली डिजाइन पर हमने पकड़ कर सिलाई लगा ली। उसके बाद 2 मोती लिया, बीच में जितना गैप है 2-2 करके मोतियाँ लगाएंगे। छोटी मोती हमने ली है। फिर पकड़ कर सिलाई लगाएंगे नीचे वाले कपड़े पर और सिलाई को पक्का कर लेंगे।
इसी तरह से इसे बनाना है। अब दो मोतियाँ फिर लगाएंगे, फिर इसे पक्का करेंगे सिलाई को। इसी तरह देखिए हमने ये लगा लिया है, सिलाई अच्छे से लगानी है ताकि वहाँ से फूले ना। अब ये वाली डिजाइंस लेनी है और इसको इस तरह से लगाना है। लगाने के बाद एक मोती ऊपर से लगा देंगे, अच्छे से सिलाई लगा देंगे इस पर। इसी तरह हमें ये सारी डिजाइनें लगाना है, बीच में 1 इंच छोड़ना है। 1 इंच बीच में छोड़ते हुए रखेंगे, 4 डिजाइनें इस पर आएंगी। इस तरह से इसको लगा लेंगे। तो ये लगाने के बाद देखिए हमारा डिजाइन बन के रेडी हो गया। तो ब्लाउज के लिए स्लीव डिजाइन तैयार किया हुआ है और ब्लाउज पर जो डिजाइंस रखा है उससे मैच करता हुआ स्लीव पर भी रखा है। ये छोटी स्लीव पर इस तरह से डिजाइंस बना सकते हैं। अगर डिजाइन हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिजाइन के साथ। धन्यवाद।